अगर आप जानना चाहते हैं कि आप असल में कौन हैं, तो अपनी माँ और अपने दुश्मन की बात सुने। वो सिर्फ दो लोग हैं जो आपको सच बताएंगे। आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी परेशानियों से नहीं भाग सकते। एक परेशानी देने वाली औरत से हमेशा दूर रहना, वो आपकी जिंदगी का सारा सुकून छीन लेगी। तुम्हारा चाल चलन इस बात से मालूम हो सकता है कि तुम किस चीज़ को देखकर खुश होते हो। नसीहत सच्ची खैर ख्वाही है जिसे हम नहीं सुनते, लेकिन खुशामद बदतरीन धोखा है जिस पर पूरी तवज्जो देते हैं। हर वो शख्स आपसे बुरी तरह पेश आएगा जिसे आपने मौका दिया होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि नौजवान लड़के देर से सोते हैं और ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। सख्त और वाज़ेह तौर पर तस्लीम करें कि आपको क्या चीज़ें तकलीफ देती हैं। इंसान वाहिद जानवर है जो हंस सकता है, अगरचा इसके पास इसके लिए बहुत कम मौके होते हैं। अगर आप अपने काम को सलाम करते हैं, तो आपको किसी को सलाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने काम को आलूदा करते हैं, तो आपको वो सबको सलाम करना होगा। ज़रूरत से ख्वाहिश, ख्वाहिश से कोशिश, कोशिश से हसूल और हसूल से नतीजा पैदा होता है। जवाब देने से पहले सोचें, खर्च करने से पहले कमाएं और तनकीद करने से पहले अपना गिरेबान झांकें। सबसे तकलीफदा चीज़ किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना और इसके दौरान ये भूलना कि आप भी बहुत ख़ास थे। बुज़दिल हज़ार बार मरता है, लेकिन बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। हिकमत हर चीज़ के जानने से नहीं आती, बल्कि ये समझने से आती है कि अभी कितना सीखना बाकी है। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस मुआशरे में इंसान के वक़ार में इजाफा और भरपूर इज्जत का सबब बनती हैं। गरूर से बचना और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद करना। उम्दा चीज़ को हासिल करना कोई खूबी नहीं, बल्कि इसको उम्दा तरीके से इस्तेमाल करना खूबी है।